नमस्कार, सुमन किचन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे इमली राइस। ये खाने में बहुत बढ़िया चटकारेदार होते हैं और ये सभी को बहुत पसंद आते हैं। आप इन्हें बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे। और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, हमें बाहर से कोई इंग्रेडिएंट्स लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में रखे हुए सामान से ही ये तैयार हो जाने वाले हैं, फटाफट तैयार। इसको बनाने के लिए ये देखिए, सबसे पहले हमने ये इमली ली है, ये करीब 25 ग्राम इमली है। इसको हमने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था और इमली अच्छी तरह से फूल जानी चाहिए। उसके बाद हम इस चावल को बनाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। ये आप देख सकते हो कि 1.5 चम्मच हमारी चने की दाल है और ये 3 चम्मच धनिया है और ये हमारे पास 1/4 चम्मच मेथी दाना है। आप मेथी दाना बिल्कुल थोड़ा डालें क्योंकि ज़्यादा डालने से चावल कड़वे हो जाएंगे। और ये 2 कश्मीरी लाल मिर्च और ये तीखी वाली लाल मिर्च 4 है। इन चारों चीज़ों को हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे और ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करके हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये मसाला हमने पहले से ही बना के रखा है और जब भी ये मसाला तैयार रहेगा आपका, जब कभी दिल करे तो आप बना सकते हैं। मसाले को हमेशा एयर टाइट डब्बे में ही रखना, ये सावधानी रखने की ज़रूरत होती है बस। और आइए, हमने ये कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हमने घी डाला है, 1 बड़ा चम्मच घी डाला है। आप चाहें तो तेल डाल के भी बना सकते हैं। और ये हमने 1 छोटा चम्मच राई डाली है, आप चाहें तो सरसों भी डाल सकते हैं। आप राई डालें या सरसों, लेकिन कुछ भी डालें उसको अच्छी तरह से तड़कने दें। और जब राई या सरसों अच्छी तरह से तड़क जाएगी उसका पूरा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। और उसके बाद में ये 1 कटोरी हमने ग्राउंड नट लिया है जो कि कच्चे थे, इनको हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमने चने की दाल 1 चम्मच चने की दाल डाली है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे और ये 4 हमने रेड चिल्ली इसमें ऐड की है, इनका भी बड़ा सौंधापन आता है। रेड चिल्ली जब इसमें हम डालते हैं इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है किसी भी चीज़ में। हमें जब हम सूखी लाल मिर्च यूज करते हैं उसका फ्लेवर अलग ही आता है। ये देखिए, और ये लगभग हमारी सारी चीज़ें पक चुकी हैं। इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 3 मिनट का टाइम लगता है। तो ये हमने करी लीव्स, आपके पास में करी लीव्स यदि ताज़ी है तो ताज़ी डालें। वैसे हमने करी लीव्स सुखा के रखी हैं छाया में, वो डाला है हमने, हरी मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। और ये हमने हींग डाली है, इसमें हींग जरूर डालना। और ये जो हमने इमली फुलाई थी उसको हमने छान के उसका पल्प निकाल लिया है और वो भी इसमें ऐड कर दिया है। इसको हम 1 से 2 मिनट पकने देंगे अच्छी तरह से। और जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा इसमें हमने 1/4 चम्मच हल्दी डाल दी है और ये नमक, नमक जो खट्टी चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है, लेकिन फिर भी आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और हल्दी बिल्कुल थोड़ी डालें, ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है। उसके बाद में ये देखिए, हमने जो चावल बना के रखे हैं उन्हें भी हमने ऐड कर दिया है। इन्हें हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ताजे चावल हैं अभी के बने हुए, इसलिए इन्हें मिक्स करना बहुत आसान है। आप बासी चावल से भी बना सकते हैं लेकिन इन्हें थोड़ा मिक्स करना टाइम लगता है। और ये देखिए, हमारे चावल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। जैसे चावल हमारे मिक्स हो जाएंगे उसके बाद में हमने जो मसाला तैयार किया है, मसाला इसमें हमें ऐड करना है।
देखिए कितने बढ़िया हमारे खिले हुए चावल बने हैं। और ये मसाला हम इसी में ऐड करेंगे। मसाला आप स्वाद के अनुसार इसमें मिक्स कर सकते हैं, आप कितना तीखा खाना चाहते हैं। और ये देखिए मसाला, आप यदि आपको कम लगे तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। बाकी ये देखिए हमारे कितने बढ़िया इमली राइस बन के तैयार हैं, और ये बहुत पसंद आते हैं सभी को। मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार आप इन्हें बनाइए और सभी को पसंद आएंगे। फिर आप उसके बाद हमें अपने अनुभव ज़रूर शेयर करना कि आपको ये राइस कैसे लगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आइए ये देखिए हम चावलों की प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और आप इस तरह से चावल बिल्कुल खिले खिले चावल बनेंगे। और आप इन्हें जब भी बच्चों के टिफ़न में भी देंगे, बच्चे पूरा टिफ़न खाली करके लाएंगे। ये देखिए एक बार आप ज़रूर बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।